गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 का जो चैप्टर 6 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसकी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका हमारा जो सेकंड पार्ट उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 1750 है जी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर। कोई ऐसा स्मॉल नंबर हमने ढूंढना है जो हम इसमें ऐड करें और ये क्या बन जाए, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो जो नंबर मिलेगा हमें प्लस करने के बाद उसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे 1750 और इसके पेयर बनाएंगे पीछे से, और ये हमारे पेयर बन गए हैं। अब हमने 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर लिखने हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर लिखने हैं, ये मैं बताऊंगा कैसे यूज़ करने हैं। अब जो पहला नंबर हमारा 17 है, तो हमने देखना है 17 किसके पास आ रहा है, 4 के पास। 4 4 या 16, तो यहाँ 4 लेंगे, यहाँ भी 4 लेंगे और 4 यहाँ भी आएगा, ये प्लस हो जाएगा और लाइन ऐसे, और ये 16 और माइनस करना है। 17 माइनस 16 1 बचा, ऊपर के दोनों नंबर एक साथ आएंगे क्योंकि पेयर में है। ये 4 प्लस 4 8 हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर नंबर लेने हैं, हमने ट्राई करना है, ट्राई कर करके इससे एक नंबर बड़ा लेकर आना है, छोटा नहीं लेकर आना। पहले 81 चलूँगा तो 81 ही आ जाएगा। अब मैं 2 ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर 2 ले रहा हूँ, 8 2 × 2 उस नंबर से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ती है। 2 2 जो 4 हो गया एंड 2 8 जो हमारा 16 हो गया। देखो ये 164 है और ये हमारा 150 है, तो हम मैं 2 जो ले रहा हूँ, 2 यहाँ पर 2 यहाँ, 164 हमारा आ गया। अब मैंने क्या करना है, ये बड़ा है और ये छोटा है, माइनस तो होगा नहीं, तो मैं करूँगा 164 में से 150 माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। बड़े में से छोटा माइनस करूँगा तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर कितना आएगा माइनस करने के बाद, देखो यहाँ पर 0 बचा, 4 बच जाएगा और 6 में से 6 में से 5 गया तो 1 बचा, क्या आ गया हमारा 14 आया। इसका मतलब जो ये 14 नंबर है ये मुझे इस नंबर में ऐड करना पड़ेगा, 1550 में प्लस करना पड़ेगा 14। तो प्लस करने के बाद हमारा क्या आएगा, 4671 1764। अब इस नंबर का 1764 का मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं फिर से वही प्रोसेस है, इसको लिखूंगा, पेयर बनाऊंगा। अब देखो ये हमारा क्या है, 16 किसके पास में आ रहा है, 17 किसके पास, 4 4 जा 16 है, 4 यहाँ 4 यहाँ, ये 16 हो गया और ये फिर से प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 8 हो गया। अब माइनस करके यहाँ 164, अब आपको पता है 164 8 के साथ किसके साथ, 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा, तो 2 यहाँ लिखूँगा और 2 ऊपर लिखूंगा, यहाँ लिख दो 164 लिख दूंगा, ये कम्प्लीटली हमारा सॉल्व हो गया और इसका स्क्वायर रूट जो हमारा आएगा कितना आ गया, 42 आ गया। तो इसका मतलब इसका आंसर के जो मिनिमम नंबर था, स्मॉल नंबर जो हमें ऐड करना था वो था 14, और उसके बाद ऐड करने के बाद जो हमारा स्क्वायर रूट आया वो क्या आया, 42 आया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए लास्ट में सर्कुलर आइकन आता है, आप उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट में प्लेलिस्ट का ऑप्शन भी है, मैंने बच्चों के लिए डाला है कि जैसे कि बहुत सारी क्लासेस की वीडियो डाल रखी हैं, बच्चों को ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएँगे, उसमें प्लेलिस्ट में फ़िलहाल तो आप अपनी क्लास देखिए और सब चैप्टर देखिए और उसकी सारी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। स्क्रॉल करें अप एंड डाउन, आप आसानी से अपने सारे क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।